हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पापा की तारीफ में कुछ और नहीं बोल सकते थे। और बोलो, आपको पता है आम भिखारी लोग जब आम आदमी से मिलते ना उसको बोलते हैं खाना नहीं खाया, इसके बाप को मिलते कहते हैं खाना खाया। पापा ने फ्री में दवाई देते तो वो भी पापा के खाने पीने का ख्याल रख लेते पाजी। कौन सी दवाई देते हैं पापा? पेशेंट को एनेस्थीसिया तो दिया नहीं जाता उनसे। कहता मैं एक मिनट में बेहोश कर दूंगा, इधर गले लगाते हैं वो बेहोश ही हो जाता बेचारा। ऐसी कोई बात नहीं पाजी, पापा ने ना बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं। बहुत बड़े ऑपरेशन किए, एक बार तो पंक्चर भी साथ में लगा रहे थे और ऑपरेशन भी साथ में कर रहे थे। ट्यूब को टांके लगा दिया, आदमी को पंक्चर लगा दिया, फिर उसका घर वाले मारा था, कहता ले दे गलती तो दोनों तरफ से, ट्यूब तो कुछ बोल नहीं रही, ये करते हैं इसके पिताजी। कपूर तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है? हाँ पता है, पिछले वाले मोहल्ले में एक लड़की ने मुझे छेड़ दिया और जिस तरीके ने उसने मुझे छेड़ा ना, बाय गॉड मुझे तो लग रहा है वो मेरे प्यार में पागल हो गया है। पागल प्यार तूने ऐड किया है, वो पागल ही होगा, कोई पागल का बच्चा ही होगा जो तुझे छेड़ेगा। कपूर ओह माय गॉड, तुम कहाँ थी लॉटरी पिछले आधे घंटे से, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो मेरा बीपी भी लो हो गया, मेरा हाथ तो टच करके देखो। सुनो, वहाँ एक लड़के ने मुझे छेड़ दिया। क्या? हाँ। शर्म आनी चाहिए, हमने शो इसलिए थोड़ी ना खोला है, तुम बाहर से छिड़के आ जाओ। किसकी मौत आई है जिसने तुम्हें छेड़ा है? हाँ तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतनी छोटी सी तो बात है। छोटी सी बात थी जब तुम्हें छेड़ा था, तुम छोटी सी हो, ये तुमसे लंबी भी है और बहुत ज्यादा प्यारी भी। उसने मेरे होठों की भी तारीफ की, उसने कहा कि मेरे होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी हैं। अब छेड़ा उसने तुझे, उसका जूते पड़ने चाहिए जो तेरे साथ ऐसा बदमजाक कर रहा है। तो क्या छेड़ा उसने तुम्हें? मेरे बारे में भी कहा था। मैं उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, तुम उसे मेरे लिए मारना प्लीज। हाँ आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ कपू। एक बात बताओ, तुझे मजा आता ना कि तुम्हारे फालतू में तुम्हारे चार लाइनें तुम्हारे मुंह पे बोलूं? इसको मजा आता जानबूझ के ऐसे क्यों दीदी, होने वाली बीवी हो। हट। अरे तू ये इसके सामने तो मेरे को देख के कहा हो? सामने फरारी खड़ी हो तो ऑटो रिक्शा में कौन जाएगा? तुम बताओ लॉटरी क्या क्या किया उसने? और वो मुझे फ्लाइंग किस भी दिया। ओ तुम मुझे दे दो, मैं उसको वापस करके आता हूँ। उसकी ऐसी हिम्मत उसने तुम्हें चढ़ा, उसकी जो किसने छेड़ा लॉटरी को, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पापा बेटी को छेड़ा कुछ नहीं, लॉटरी को छेड़ा तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। आएगा बेटी, क्योंकि बेटी होती है प्राय धन, तेरी रक्षा करेगा तेरा होने वाला पति और इसकी रक्षा करेगा मैं। बड़े बुजुर्ग की तरह तैतीस रुपए की तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ, छेड़े तुझे कोई यार है? क्यों क्यों गई थी बाहर पहले बताओ? मैं वॉक के लिए गई थी। 8 से 10 तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, वॉक करने क्यों गई थी? क्योंकि कोई पेशेंट नहीं था। मैं हूँ ना तुम्हारा पेशेंट, मुझे देख लिया करो थोड़ा सा। पापा क्या पापा 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 लगा रखा है तूने? तू फादर साहब फ्लर्ट कर रहे हैं, तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, आंखें बंद कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म आपको आनी चाहिए। अगर मुझे शर्म आती ना तू आज दुनिया में। अंदर चल, अंदर चल। मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, लॉटरी को साथ लेकर चलूंगी। नहीं एक मिनट, ना मत बोला कर लॉटरी, कल को रिश्ता चेंज हो जाए, तेरी मम्मी बन जाए, फिर तो कोई शर्म आने। पापा।
खबरदार अगर लाडली को किसी ने भी छेड़ा ना तो मैंने उसके मुंह पे थूक फेंक देनी है। डॉक्टर साहब, आपको पता चला बाहर लॉटरी को किसी ने छेड़ दिया? देखो डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मुझे उसका नाम बताइए। मेरे सर पे ना खून सवार है, मैंने आज ना उसको अदरक की तरह कूटना है। हर काम में अपना प्रोफेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं होती। अदरक पत्ती, ये कहावत होती है, खैर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने मुझे बंदर का? नहीं नहीं, लगते तो आप नंगे उद गुलाब जैसे हैं, बंदर तो मैंने कहावत के लिए कहा है। आज कप्पू नहीं है यहाँ पे, वरना मैं 10 रुपए उसको दे दूँ तेरे मुंह पे चार बात कहने के लिए बोलता मैं। आप मुझे 5 रुपए दे दे, मैं खुद अपने मुंह पे एक बार बोल लेता हूँ। बोल चल बोल। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैं ना लड़ाई के मूड में हूँ, अभी मैं उसको ना मार कर आता हूँ। एक मिनट। हाँ जी। बाद में फिर मेरे पास मत आना। डॉक्टर साहब मैं तो आपके भरोसे जा ही रहा हूँ, मैं तो लॉटरी के भरोसे जा रहा हूँ। अगर मेरे को कुछ हो गया तो मलम पट्टी तो उसी ने करनी है ना। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मार खा के आता हूँ। इद्दू भाई, अचानक मुझे। हेलो। अचानक कैसे? मैं आई पहली बार हूँ। पहली बार आते ही आपके सामने शेर अर्ज किया है। अर्ज किया है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तू जो मर्जी कर ले जा, नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। कितनी बार कहा है लड़कियों के लिए शेर ना बुला करो, ये नहीं मानते। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सोचते रहो सोचते रहो। एक्चुअली मैं जो कप्पू की नानी है ना, और मेरी दादी है। आप सोच रहे होंगे मैं पहले क्यों नहीं आया। हाँ। ये लोग घर बदल के मेरे को ड्रेस ही नहीं बताया। पागल कहीं गए। मैं चित्र साहब, मेरे को हाई हेलो करने का शौक नहीं है, इसलिए मैं ये शो होस्ट नहीं करता। मेरे को गाने का शौक है। सुनाऊं? आज क्या है, इल्म आम तेरी गंगा मेहंदी से बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है। उन ए बा उन, बहुत शुक्रिया। उन ए बा उन, ए आर की उन, एनी मुझे उन लिया, अभी मुझे उन उन उन। अच्छा सुन, मेरी बात सुन, तू तो पिछले महीने आने वाला था, कहाँ रह गया? मैं अटक गया था। तेरी तो आवाज अटकती रहती, तू कैसे अटक गया? अरे मैं अटक गया था, कटक गया था। अच्छा, वहां गया था, वहां अटक गया था, भटक गया था। कितना सिखाई ना तुझे, हमेशा समझाती थी कि उंगली पकड़ के चला कर, वरना भटक जाएगा। भटक गया था ना तू? अरे मैंने अपनी उंगली पकड़ी थी, फिर भी अटक गया। फिर मुझे ना बस में टिकट नहीं मिली, मैं अटक गया। बस में टिकट नहीं मिली तो तू लटक गया। अच्छा, फिर मैं होटल गया। हाँ। मैंने सब्जी रोटी ऑर्डर की और घटक गया। नहीं, खा गया, हर बात में अटक गया, भटक गया नहीं होता। ये क्या है, क्या लगा रखा है, अटक गया लटक गया, ये सब कर क्या रहा है? सीधे सीधे काम क्यों नहीं कर रहा तू? अरे मैंने बोला था क्या, स्कूल। स्कूल खोला तूने? तूने स्कूल कैसे खोल दिया, अनपढ़ कहीं के? ऐसे करके, ऐसे। हाय हाय, आपको पता है सिद्धू जी एक दिन ये मुझसे पूछता है कि अकबर में अगर मैंने हुमायूं जोड़ दिया तो कितना होगा? तुमने भी तो कहा था अकबर प्लस हुमायूं इज इक्वल टू औरंगजेब। चुप कर, सब बोल चुप। और तब मैंने इसलिए खोला था, वॉचमैन नहीं आया था। अच्छा अच्छा,
गप्पू तुम कब आए? कहाँ थे अब तक? मैं ट्रेलिया चला गया था। कहाँ? ट्रेलिया। कहाँ? दादर। दादी हाँ? इतने दिनों बाद आया हूँ, चाय लोगी बिस्कुट? हाय हाय कैसी बातें कर रहा है तू, मेरा मेहमान है गप्पू, मुझे तुझसे पूछना चाहिए चाय लेगा कि? तो पूछा क्यों नहीं बुड्ढन, क्यों ले गया? मैं लाती हूँ सरला, तू बात कर, मेरा गप्पू आया, गप्पू आया। हेलो आओ बैठो, आओ बैठो, तुमसे बातें करनी है। एक आत बताओ, मैंने तुम्हें छेड़ा, तुमने मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? क्या रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? जवाब क्यों नहीं दिया? वो तुम थे जो मुझे छेड़ रहे थे, अच्छा मैंने पलट के नहीं देखा। इसे तुम काफी बड़े हो गए हो। सेम, तुम भी तो कितनी छोटी रहेगी। सुनो अल्लाह बैठो बैठो, एक आज बताओ तुम्हारा हुड्डा क्या कर रहा है? रणदीप हुड्डा तो फिल्म कर रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारा हुड्डा डॉक्टर क्या कर रहा है? तुमने पापा को बुड्ढा बोला? अरे तुम्हारा छोटा भाई क्या कर रहा है आजकल? छोटा भाई? पापा का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारा नाम मैंने अपनी बाजू पे लिखवाया है। कुछ नहीं लिखा है। ओ, मिट गया होगा। मैं आता हूँ ना रोज, नहाता हूँ, तुम भी नहाया करो, कितनी अजबू आती है। गप्पू सुनो, तुम्हारे लिए एक शेर अर्ज किया है, शेर अर्ज करूँ? करूँ। दो इर्शाद। इर्शाद क्यों नहीं आया? अर्ज किया है तुम्हें अपने आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूँ, तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी रातों का बनाना चाहता हूँ, तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी रातों का ख्वाब बनाना चाहता हूँ। सीधे सीधे बताऊँ, मैं राशन कार्ड में दो बच्चों के साथ तुम्हारा नाम लिखवाना चाहता हूँ। गप्पू तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम कोई चाहता हो तुम्हें भूल जाऊँ? जितने तुम प्यार करती हो उसको काट के रख दूंगा, काट के रख दूंगा मैं। लेकिन वो तुम्हारा ही रिश्तेदार है। तो फिर चार पीस करूंगा, टक 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 टक। उसके पास बहुत बड़ी बंदूक है। ओह भाभी भैया किधर है? डर गए तुम? तुम मरने से डरना अच्छा है। वैसे मैं मजाक कर रही थी। तेरा मजाक भी तेरे मुंह ज्यादा सीरियस है। कदम मजाक तेरी ये जुर्रत पहले मेरे नाती के पीछे पड़ी थी, उसने कोई भाव नहीं दिया तो मेरे पोते के पीछे पड़ गई तू। मैं इसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये मुझे छेड़ रहा है। उड़े तू किधर चला गया है? तू किधर जा रहा है? क्या कहा सॉरी? देखो उधर आके बताता हूँ। तू किधर भाग रहा है? ना, ना, देखो जरूरी नहीं है कि आदमी अपनी गलती से सीखे, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए। अच्छा हाँ। तो क्या सीखा आपने? यही कि हर जगह टाइम पे जाना ठीक नहीं होता, कभी कभी लेट भी जाओ तो चलता भी अभी सीखा मैंने, अभी अभी। अरे कुछ नहीं होगा पापा, चंदू आप लोग यहाँ आए। नहीं नहीं मेरे को ना प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता, पहले इसको बुलाओ। चंदू आजा 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 पहले ये आजा मोया, एक थप्पड़ से कुछ नहीं होता। तो आप खा लो फिर। चुप कर। अरे कुछ नहीं होगा, इधर आए आप दोनों, मैं देखती हूँ कौन मारता है। पहले ये जाएगा क्यों भाई? मेरी बेटी को कैसे छेड़ा तुमने? ऐसे बैठे तो फिर लॉटरी को क्यों छेड़ा? तेरी इस्तर लगती है इनको क्या? वो तो मैंने ऐसे छेड़ दिया।
सबसे पहले इसको मोहल्ले से बाहर निकालो वरना ये किसी ना किसी को छेड़ता ही रहेगा। ऐसे करते निकालो अल्लाह से करते जाओ। कप्पू तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू इसकी लड़की के साथ शादी करना चाहता है? अरे कुछ तो स्टैंडर्ड रख। तुझे पता है कप्पू की है ना जैकलीन के साथ अफवाह उड़ रही है। सिर्फ अफवाह है ना, तो जैकलीन उसके साथ शादी करेगी ना दीपिका आदू। कौन? वही। खबरदार जो तूने इस चमकादार जैसी सूरत वाली लड़की के साथ शादी की। लेडी, खबरदार अगर मेरी बेटी को चमगादड़ बोला तो मैं जान दे दूंगा अपने यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। हाँ। उस बिलाव की बेटी चमगादड़ कैसे हो सकती है? मैं ना बातों को लाइटली नहीं ले सकता। अब लाइट ऑफ। एक एक को देख लूंगा। देखा, मैंने सबको मारा, सब मेरे से डर के भाग गए। ऐसे मेरा नाम मिस्टर ग्लैडन है। डॉक्टर? यस प्लीज। नुक तेरी माँ का ग्लूकोज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.